इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेड सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जीरो इज सच दैट वन अपॉन मॉड ऑफ जेड जीरो माइनस वन इज द मैक्सिमम ऑफ द सेट दिस देन द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ दिस इज आपने इनमें से करेक्ट चॉइस निकालनी है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं आर्गन प्लेन में वो कहां लाई करते हैं। ये देखने के लिए सबसे पहले तो मैं मॉड ऑफ जेड माइनस टू प्लस आई इक्वल टू रूट फाइव का ग्राफ ड्रा करता हूं, जिसका कि मतलब है जेड माइनस टू माइनस आई इक्वल टू रूट फाइव। ये इक्वेशन क्लियरली एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है जिसका के सेंटर 2 माइनस वन है और रेडियस रूट फाइव है। 2 माइनस वन लगभग यहां कहीं होगा और क्लियरली इसका ओरिजिन डिस्टेंस रूट फाइव है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो सर्कल होगा जिसका के सेंटर 2 माइनस वन है वो सर्कल ओरिजिन से होके जाएगा। लेकिन कंडीशन ये दे रखी है जिसका कि मतलब हुआ वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका 2 माइनस वन से है रूट फाइव से ज्यादा है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस सर्कल के बाहर लाई करेंगे। अब इसके बाद बोला गया है जेड जीरो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके लिए वन अपॉन मॉड ऑफ जेड जीरो माइनस वन इज मैक्सिमम, या मैं इसी बात को ऐसे बोल सकता हूं जेड जीरो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके लिए मॉड ऑफ जेड जीरो माइनस वन इज मिनिमम। और इसका मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ जेड जीरो फ्रॉम वन। अब इन सारे बाहर वाले पॉइंटों में से जो पॉइंट इसके सबसे करीब होगा उस पॉइंट का जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको हम जेड जीरो बोलेंगे। अब वन जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन में लगभग यहां कहीं होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट टू है। तो इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसके सबसे करीब होगा उस पॉइंट के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड जीरो बोलेंगे। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट याद रख लो कि यदि कोई कर्व दे रखा हो और कोई पॉइंट पी दे रखा हो और हमने पता लगाना हो इस कर्व का कौन सा पॉइंट है जो इसके सबसे करीब है और कौन सा पॉइंट सबसे दूर है, इस कर्व के जिस जिस पॉइंट के नॉर्मल पी पॉइंट से होके जाएंगे, पहले तो वो सारे पॉइंट्स निकाल लो जिन जिन पॉइंटों के नॉर्मल पी पॉइंट से होके जाएंगे, उसके बाद इस कर्व का इस पॉइंट से सबसे करीब वाला पॉइंट और सबसे दूर वाला पॉइंट उन्हीं पॉइंटों में से कोई ना कोई होगा। और ये हम जानते हैं किसी भी पॉइंट का नॉर्मल जो है सेंटर से होके जाता है, तो हम इस पॉइंट को 10 से ज्वाइन करते हैं और आगे प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये वो पॉइंट है जहां का नॉर्मल 10 से होके जा रहा है, और वैसे तो इस पॉइंट का नॉर्मल भी 10 से होके जा रहा है। तो इसका मतलब हो गया इस सर्कल का वो पॉइंट जो इसके सबसे करीब है वो ये वाला पॉइंट है, और जो पॉइंट इसके सबसे दूर है वो ये वाला पॉइंट है। लेकिन मेरे को इस पॉइंट से मतलब नहीं है, मेरे को इस पॉइंट से मतलब है जो कि इसके सबसे करीब है। तो यहां का कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जेड जीरो। ये क्लियर है यदि जेड जीरो को मैं अल्फा प्लस बीटा आई
बोलता हूं तो अल्फा की वैल्यू 1 से कम होगी और 0 से बड़ी होगी। और यह भी क्लियर है कि बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो यह बन गया आर्गुमेंट ऑफ 4 minus 2 alpha upon 2 beta i plus 2 i, that is argument of 2 minus alpha upon beta plus 2 into 1 upon i। और ये क्लियर है और बीटा पॉजिटिव है तो ये नंबर एक पॉजिटिव रियल नंबर हो गया। हेंस आई गेट दिस इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ माइनस 2 माइनस अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 इंटू आई, क्योंकि 1 अपॉन आई जो है माइनस आई होता है। और क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है तो कुल मिलाकर रिजल्ट ये निकला कि ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है विद इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव बिकॉज ऑफ दिस, ध्यान रखो ये माइनस भी है। तो इसलिए क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है जिसका कि इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो इसका आर्गुमेंट हो गया -2। तो करेक्ट चॉइस हो गई सी।